No. आपका रिमोट कंट्रोल साइड में ही रखिए, आपका साउंड सिस्टम बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में कुछ इंजीनियरिंग फॉल्ट हो गया है। जिसकी भी आवाज़ से चेंज की हल्की सी भी बू आती है, उस आवाज़ को छीन लिया जाता है। सो इमेजिन अगले हफ्ते शायद मैं आपको ऐसे वेलकम करूं। वेलकम टू MTV Big F, बिकॉज F स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, इसीलिए F भी शायद दुनिया से छीन लिया जाएगा। So, तुमको लग रहा है कि MTV Big F is the solution to all of these problems. हम महिलाओं को मोटिवेट करेंगे to break free from these cages. फिर कोई कल सुबह उठ के अपने सोशल मीडिया पे MTV Big F का पोस्ट शेयर करेगा, दोपहर को अपनी सेक्सी गर्लफ्रेंड के लिए शॉर्ट्स खरीदेगा और रात को अपनी बहन से कहेगा कि शॉर्ट स्कर्ट में लड़कों के साथ पार्टी करना बहुत बुरी बात है। तो इससे पहले कि मैं एक उनके कान के नीचे बजाऊं, आप मारो उनके सर के पीछे थोड़ा सा जोर से। And make sure they get this into their bird brain head. MTV Big F से ना किसी की गर्लफ्रेंड मैजिकली लिबरेट होगी, ना किसी बहन को अचानक फ्रीडम मिलेगा। If we are lucky. इससे उन लड़कों की अकल ठिकाने आएगी जिनको लगता है कि दुनिया की सारी लड़कियां हम लड़कों के इंतजार में बैठी हैं उन्हें फ्रीडम देने के लिए। Wake up guys, wake up. All the women around us have always been free. क्योंकि उनको अगर किसी से फ्रीडम चाहिए तो वो हमारी छोटी सोच से, और ये सोच अगर नहीं बदली तो सबका अक्षय जैसा हाल होने वाला है। अक्षय को नहीं जानते? राशि? नहीं? चलो आओ मेरे साथ। माँ, अक्षय की लेफ्ट प्रोफाइल पोजिंग पिक तो बिल्कुल राइट निकली। देखो कितने प्यार से पाउट कर रहा है, और उसकी FPDP पर 1000 लाइक्स। पता है माँ, इतने लाइक्स तो ना वो क्यूट वाले बिल्ली की फोटो भी लगा दो ना तो भी नहीं मिलते। और मेरी शादी हो रही उसके साथ, 1000 लाइक्स वाली शादी। लाइफ कितनी ऑसम है ना। बिल्कुल #परफेक्ट। बस अब जो फर्स्ट नाइट है ना उसको 10,000 लाइक्स वाली नाइट बनानी है। फुल पावर प्लानिंग है मेरी, लेकिन मतलब थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। क्यों? मुझे नहीं पता था सती सावित्री के अंदर एक स्लटी सावित्री भी है। पता है क्या टिया बेटा, तुम्हारी जो ये बहना है ना, चाहे कंप्यूटर क्लास हो, कुकिंग, डांसिंग, फैशन डिजाइनिंग में भी हर चीज में टॉप किया है। इसीलिए तो पहला रिश्ता आया और वही फाइनलाइज हो गया। वैसे अक्षय भी बहुत प्यारा लड़का है एकदम। वो तुम लोग क्या करते हो? #परफेक्ट जोड़ी। तभी तो इस परफेक्ट जोड़ी की परफेक्ट डेस्टिनेशन वाली शादी गोवा में है। एक्चुअली KBC में भी प्लेयर को 4 ऑप्शन मिलते हैं आंसर डिसाइड करने के लिए। आपने तो फर्स्ट आंसर को ही लॉक कर दिया। टिया, ये अपनी मुंबई वाली सोच ना तुम पीछे छोड़ो। हमारे जयपुर में ऐसा ही होता है। इसके पापा को अच्छा लगा लड़का और शादी फिक्स हो गई। वैसे मेरी शादी हुई और वैसे ही तुम्हारी मम्मी की, और ऐसे ही तुम्हारी होगी। सॉरी ब्रो, अपना लाइफ पता तो मैं खुद ही डिसाइड करूंगी। अरे अपना लो ना। राशि, बाल बिखरे हुए सारे, अपने बाल बनाओ। दुल्हन हो तुम, परफेक्ट लगना है तुम्हें। प्लास्टिक में अपने आप को रैप कर लेती हो। ये पकड़े, वॉच किधर है तुम्हारी? बैग में होगी शायद, पॉकेट में। जी नहीं, आपने गाड़ी में गिराई थी। इतनी बार का है बेटा, संभाल के रखो। दादी जी की निशानी है ना। हेलो मैम, कैसा लगा आपको सारा अरेंजमेंट? ठीक। What the f... Are you blind? Blind नहीं हूँ ऑटी, इसीलिए तो तुझे नटेला में डिप करके। फोकस राशि, ऊपर तेरी शादी होने वाली है। I'm sorry. I'm really sorry. नहीं, अभी भी कैमरा टूटा नहीं है, तोड़ दो। the hell are you? कुछ बोलोगी? मेरा नाम राशि। I'm sorry, मेरी शादी हो रही है। I'm sure you're sorry for your fiance. No, no, no. I mean, I'm sorry. अब please continue करिए just. Leave. आज रात को फ्री हो? As in, let's go for a date, pan gym, you and me. Date पे मेरी शादी हो रही है. Leave. वाओ, तू तो बहुत खुश होगा ना ब्रो. थर्ड टाइम कैमरे की अनटाइमली डेथ. नहीं तो गोवा का इतना फेमस कोरियोग्राफर अपनी ऑडिशन इंडियाज बेस्ट डांसर में अभी तक नहीं भेज पाया. कांट हेल्प इट यार, मेरी गलती नहीं थी. व्हाट्स माय शेड्यूल फॉर टुडे? बागा में परफॉर्मेंस है, प्राइवेट डेलीगेशंस आए हैं रशिया से, फिर डांस स्टूडियो में एक स्पेशल डांस क्लास है और रात को एक परफॉर्मेंस है होटल में इन हाउस गेस्ट के लिए. अरे लेकिन ऑडिशन का क्या करना है? ये लड़का कब अपनी पोटेंशियल रियलाइज करेगा? नमस्ते. नमस्ते, वेलकम. नमस्कार आंटी जी. नमस्ते बेटा, कैसी रही आपकी जर्नी? आइए जी. जर्नी कैसी रही आपकी? ब्रो, अक्षय ने तो प्लेस्टेशन के टाइम में मारियो को सिलेक्ट किया. मंदिर जा रही हो और झल्ले कपड़े पहन लेती क्या? ये बाबा आदम के जमाने की घड़ी क्यों पहन रखी है? मेरी दादी ने दी थी ना, तो आपको पता है मेरे लिए प्रेशियस है. मेरी ग्रैंड मॉम ने भी मुझे रेड कलर का अंडरवेयर गिफ्ट किया था. पहन के घूमो. तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारी घड़ी तो चल रही है लेकिन तुम अभी भी वही स्मॉल टाउन जोन में अटकी हुई हो. उसको देख रही हो? शिखा, why don't you learn something from her? She's so well dressed. सीख लो कुछ उसी से. Oh no 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 बेटा जी, शादी से पहले naughty naughty. No. वैसे तो I am very modern. लेकिन शादी से पहले plane take off. No 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 no. शादी के बाद तो पूरा airport ही तुम्हारा है. अच्छा छोड़ो ये सब. मेरे goggles कैसे लग रहे हैं? शिखा. Guys, let's go. बलून वाले से तो नहीं लिया आपने? बहुत प्रिटी है मम्मी जी, है ना? फॉरेन मेड है, इसके पापा लाए हैं. अरे जी सुनिए ना, मैं बोल रही थी कि बस पूछो ही मत, तो बहुत ही अच्छा सा. दीदी आओ, बैठो. अच्छा अब ऑनेस्टली बताओ, जीजू तुम्हें वहाँ पे लेके गए थे ना? नहीं, वो तो मुझे डांट के चले गए. डांट के? मेरी दीदी इतनी भी बुरी किस्म नहीं है. अभी तो हम किस कर नहीं रहे थे. फॉर द रिकॉर्ड, अक्षय ना बहुत ही बुरा किसर है. मतलब किस में जैसे वही है, मैं हूं ही नहीं. You're getting it now? Yeah, yeah. But don't worry. मुझे पता है शादी के बाद ना अक्षय ये भी एग्जाम टॉप कर लेगा. प्रोफेसर जो उसके साथ है. अरे ऐसे कैसे हो गया? कोरियोग्राफर का एक्सीडेंट हो गया, अब डांस कौन सिखाएगा? और मेरी किटी वाली सारी फ्रेंड्स, उनके सामने तो मेरी नाक चौक हो जाएगी ना. आंटी जी रिलैक्स, डोंट वरी. आपकी किटी में आप ही रॉक करेंगी. आई एम जतिन, मैं गोवा के स्टार कोरियोग्राफर का मैनेजर हूँ. हाँ लेकिन लास्ट मोमेंट बुकिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी आंटी जी. पक्का ना? अरे 100% आंटी जी, आप टेंशन लीजिए ही मत. भाई भाई मुझे पता था तुझे ही मिलेगा यार। नहीं प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। अबे बैलेंस जा रहा है मेरा। प्लीज यार, प्लीज मेरे लिए कर ले यार। फॉर व्हाट? फॉर माय सुसाइड? भाई नहीं, मैंने होटल वालों को कमिट किया है यार, प्लीज कर ले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है यार। अरे हाथ हटा यार जतिन, तू पहले सीधा हो यार, मुझे तुझसे बात करनी अर्जेंट है यार। मैं ऐसा ही हूँ, टेढ़ा हूँ। आई एम गुड विद दैट। ओके देख, होटल के लिए नहीं तो मेरे लिए कर ले यार, एडवांस गिफ्ट समझ के कर दे यार, बर्थडे गिफ्ट, जो मेरा बर्थडे आ रहा है। माँ कसम यार, बोले चुड़िया टाइप गाने नहीं होंगे यार, अच्छे अच्छे गाने लगाएंगे। लेकिन मुझे एक प्राइवेट परफॉर्मेंस चाहिए। ये सब कौन है? अबे ये उसका फियांसे है। शाबाश, मत कर, ये लेता है। अच्छा डांस किया ना राशि ने। फियांसे किसकी है आंटी? That was perfect. और बेटी किसकी हूँ? शिका। उसकी फिर से बात काट दी तूने। नाराज होके क्या है, मुझे बात करनी पड़ेगी। तुम जाके अपने बाल ठीक करो। वो एंड मोमेंट डांस सिखाने के लिए और कल के लिए सॉरी। सर दर्द की मेडिसिन है? अभी तो नहीं है, पर किसी से मंगा लेती हूँ। नहीं, इट्स ओके, आई विल बाय अ स्ट्रिप। ऐसे भी ये टॉर्चर काफी दिनों तक टॉलरेट करना है। योर किलर मूव्स। हेलो, एक्सक्यूज मी, अक्षय ना, ही इज फ्लैट ओवर माय मूव्स। झूठ, इट्स दैट सिंपल। ये जो तुम्हारा फियांसे है, व्हाटएवर हिज नेम इज, ही इज लाइंग। अक्षय क्यों झूठ बोलेगा? तुम्हारा फियांसे, यू शुड बी नोइंग। आई एम श्योर तुम्हें ये भी कहता होगा दैट यू आर अ ग्रेट किसर। अब इसको कैसे बताओ कि किसिंग में अक्षय हिट विकेट होने वाला बैट्समैन है और मैं भी चौका मार ही लेती हूँ। लिसन, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुमने कभी किसी नहीं किया होगा। एक्चुअली यू आर अ स्मॉल टाउन गर्ल, भोली भाली बकरी। So you don't believe in शादी के पहले kissing विसिंग करना। I'm sure you don't believe in that, right? But I always wonder कि तुम लोगों को फिर गोवा में आके क्यों शादी करनी होती है? Maybe it's very cool to be in Goa. मुझे नहीं सीखना तुमसे डांस। नहीं। और अक्षय और मैं बहुत सारी kissing करते हैं, okay? Man, but I don't understand is हर चीज में रोना क्यों रहता है इनको। आओ टेरी, अब जाके सॉरी बोलो। अक्षय और मैं आज ऐसा केस करेंगे ना, टेरी के होठ सूख जाएंगे। समझता क्या अपने आप को? It's not how it looks. मेरी बात सुनो राशि। राशि, राशि, तो राशि प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं तो नहाने के लिए आया था, पीछे से पता नहीं वो कहां से आ गई। राशि, she forced herself on me. राशि, राशि मेरी बात सुनो। राशि निसन, राशि देखो, इसमें गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी भी है। लुक एट हर, शी इज सो हॉट, शी इज सो कॉट, शी इज सो कॉन्फिडेंट। यू नो व्हाट, हियर मी आउट। दिल्ली में 2 साल रहने के बाद आई हैव चेंज्ड, लेकिन तुम अभी भी वही गोलगप्पे खाने वाली स्मॉल टाउन गर्ल हो। आई हैव नीड्स, और शिका मेरे वो नीड्स पूरी करती है। तुम तो किसिंग से आगे नहीं बढ़ने देती। सो लेट्स फॉरगेट दिस हैपेंड। हाँ, शादी है, शादी भी ध्यान दो। Are you listening? मैं रिहर्सल के लिए नीचे जा रहा हूँ। पर उसने तुझसे माफी मांग ली ना, इतनी सी बात के लिए शादी रुकवाना। बेटा सबका सोच, मुझको मालूम है तू शादी के बाद उसको इतना खुश रखेगी तो वो ये फिर से करने का सोचेगा भी नहीं। समझ। आप ही कैसे कह सकते हो? मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरी माँ हूँ। नहीं समझ मेरी बात बेटा, जो माँ कह रही है समझ। भूल जा। कुछ नहीं, बस माँ से बिछड़ने का गम। अक्षय खुश है ना? पापा मैं बस हाँ बिल्कुल। अरे खुश कैसे नहीं होगा, बहुत खुश है। लड़के वालों की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो मुझे हॉट बना सकते हो? मुझे आलिया भट्ट के साथ डेट पे लेके जा सकती हो क्या? एग्जैक्टली, इतना इम्पॉसिबल है तुम्हारा क्वेश्चन। देखो देखो प्लीज मुझे बस एक मतलब वो हॉट वाली ना डांसिंग सिखा दो, मेरी मैरिज डिपेंड करती है इस पर। प्लीज जस्ट हेल्प मी आउट। नो। क्यों? मतलब क्यों नहीं? मुझे अक्षय के लिए हॉट कूल सब कुछ बनना है, एकदम एकदम बिंदास टाइप की फ्रीडम चाहिए मुझे। ओह आई नो तुम क्या बोलना चाह रही हो। थ्रू डांस यू वांट टू get that freedom. Yeah. I get it. Yeah. Oh, मुझे भी help किया काफी dance ने to liberate myself, to understand myself better. And that's what you want to do. If I'm not wrong, right? But तुमसे ना हो पाएगा। देखो संगीत सोलो परफॉर्मेंस में ना मेरा एकदम परफॉर्मेंस अट्रैक्टिव होना चाहिए, अक्षय फ्लैट हो जाना चाहिए, और बाकी के लोग भी होंगे वहाँ पर, सब लोग होंगे। Yes, I know everyone has to say something, है ना? तुम्हें तुम्हारी और अक्षय की तारीफ होनी चाहिए। Everyone has to talk about that. Correct. है ना? तुम्हारे संगीत पे तो everyone. Correct. Yeah, I know. But no, as I said. देखो प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब एक बार मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? प्लीज ओके फाइन, नहीं सिखाना तुम्हें, नहीं सिखाना, फाइन मत सिखाओ। कल सुबह 5 बजे किसी को बताना मत। सीक्रेटली क्यों? हाय गुड मॉर्निंग। फाइनली। तुम्हारी गाड़ी है ये? नहीं। तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? पता नहीं। पता नहीं तो फिर जाएंगे कैसे? इसी में बैठो चलेंगे। इसमें चलेंगे? पर इसमें कैसे चलेंगे? चाबी है तुम्हारे पास? नहीं। चाबी नहीं है तो फिर गाड़ी चलेगी कैसे? हाँ? मतलब ये चोरी की तो नहीं है ना? हाँ नहीं रे बाबा, कितना बोलती हो। Feel free. That's how. Yep. Okay, let's. कोई देख लेगा तो, मतलब लोग है ना। ओके अब नहीं कोई तुम्हें देख सकता है और ना ही तुम किसी को देख सकती हो। वर्क्स फॉर यू? ओके यप। अब ये नहीं मम्मी ने बोला बाल बना के रखो, ऐसे मतलब ऐसे खोल के नहीं रख सकते। मम्मी ने कपड़ों के बारे में नहीं कहा क्या कुछ? टेरी ये ना ये तुम्हारे लिए। उस दिन कैमरा तोड़ दिया था ना, तो नया कैमरा है। ओके, नहीं, तुम्हारे डैड के वजह तुम जलाओ, मेरे लिए नहीं है वो। ओके? अरे अरे ऐसे क्यों हो? मैंने अपनी दादी की वॉच ना ऑनलाइन बेचकर फिर ये खरीदा है। Are you mad? वैसे भी पुरानी थी। Okay, I don't need your help. In fact, I don't need anyone's help. शाम को पार्टी है ना, डांस पे कॉन्सेंट्रेट करो, लिबरेट, फ्रीडम, रिमेम्बर। सबको दिखा दूंगी आज। चल यार घुमा। डेर। अक्षय तुम्हारा डेर है। क्या है मैं? Kiss the neck of the most beautiful girl. Okay. There you go. Come out. Rashi. Truth, Lena, don't embarrass me. डेर। ओके, सो हमारे ब्राइड को एक सेंशुअस डांस करना। नहीं नहीं नहीं, नो वे, हैंग ऑन, नो वे। अक्षय, इट्स जस्ट अ गेम। अरे नहीं यार। I'll do it. Sorry. मना किया था ना मैंने। पड़ गया चैन। Why won't you stop embarrassing me? In spite of everything, तुमसे शादी कर रहा हूँ। खुश नहीं हो इतने में? What? I'm sorry, guys. You know, when you really love someone, उन्हें गिरने नहीं देना चाहिए। Sorry, you said something? Never mind. Thought so. अपने फेस पे नहीं, आइडेंटिटी पर मेकअप किया है। पता है, सुबह से सिर्फ 3 एप्पल्स पर रोते रोते जिंदा हो ताकि उसकी टाइप की ड्रेस में फिट हो सकूं। वो अपने फ्रेंड्स के सामने प्राउडली मुझे शो ऑफ करे, इसलिए सी हाई हील्स पहनी है मैंने। मुकी आई के वीडियो ट्यूटोरियल्स खींच दिए मैंने, पर उसे मेरे आंखों के आंसू नहीं दिखाई दिए। प्रॉब्लम इज दैट मैं सेक्सी हूं ही नहीं। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स नॉट, मतलब हेयर स्प्रे, ब्रश, नीस नहीं था कलर में, क्या नहीं था। राशि, इजी, कंट्रोल योरसेल्फ। जस्ट स्क्रू एवरीथिंग यार, जस्ट स्क्रू एवरीथिंग। स्क्रू बाकी लोग क्या सोचते हैं यार। जस्ट आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम लड़कियों के लिए लड़कों का वैलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा फियांसे, तुम्हारा हम क्या, मैं क्या सोचता हूं, व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? Just calm yourself down, okay? Easy. Just remember one thing. These things don't matter. What matters is this. तुम क्या सोचती हो? तुम क्या फील करती हो? Feel it. ये क्या कर रहा है यहाँ पे? कल वो संगीत प्रैक्टिस है तो आज तुम डिसअपॉइंटेड थे ना मेरे परफॉर्मेंस से, तो मुझे लगा शायद। आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे। राशि, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतने लोगों के सामने हमारा मजाक मत बनाओ बेटा। तुम अपने पापा की इज्जत हो। और कल कुछ भी। माँ, कल जो कुछ भी करूँगी सब सही करूँगी। माँ चलो। बेटा क्या हुआ अक्षर? और बेइज्जती कराना चाहते हो? क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये सेक्सी नहीं लगा तुम्हें? ये क्या बेशर्मी है? हाँ आंटी, अगर आप ये सनग्लासेस उतारेंगी तो शायद आपको दिखेगा कि अंकल जो हर 6 महीने में बैंकॉक जाते हैं ना, वो कितना रिस्पेक्टेबल है। मम बस करो राशि, क्या पके जा रही हो? पापा प्लीज। और हाँ अक्षय, ये फ्रीडम और डिजायर्स, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम लड़कों का हक है इस पर? हाँ, एक तो मेरी शादी में मेरे साथ चीटिंग करते हो और फिर इस मच्छर की ये हिम्मत कि मेरी गलतियां निकाले। तुझसे शादी करेगा कौन? माँ चलो। बेटे सुनो मेरी बात। राशि मेरी बात सुनो। राशि बस बेटा, तुम्हें मेरी कसम। तुझे तो किस करना भी नहीं आता, बंदर कहेगा। अच्छा okay, you're very happy. Actually, you should be. You're awesome. वैसे टिया ने तुम्हारा ऑडिशन इसमें रिकॉर्ड किया है। टेरी, एक बार भेज दो। किसी की हेल्प लेना, हमेशा वीकनेस का साइन नहीं होता। क्या? Look. मतलब what next? मतलब अब मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, so at least मेरे पास है तुम्हारा नंबर। जब मन करेगा मैं खुद फोन कर लूंगी। मजा आया? तो तुमको क्या लगा? सच्ची सच्ची बताओ, राशि की टेरी से शादी होगी या अक्षय उससे माफी मांगेगा और वो उसके पास वापस चले जाएगी? नहीं डूड, गेट अ लाइफ बॉस। वो सब बॉलीवुड सॉप स्टोरीज में होता था, वो सब मेल फैंटेसीज थी। अब रियलिटी कुछ और है बच्चों। राशि को ना किसी की अप्रूवल की जरूरत है और ना किसी और आइडेंटिटी। टेरी डिडंट टीच हर हाउ टू डांस, ही टॉट हर टू लव हरसेल्फ, टू लव हर लाइफ। समटाइम्स all that a woman needs is a little push and then she starts soaring. अब मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि अक्षय का क्या हुआ नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इतनी आशा करूंगा कि अगली बार अगर अक्षय किसी लड़की के साथ हो तो या अपने दिल में झांके या किसी आईने में, and make sure both are clean. क्योंकि बेटा कर्मा के कैफे में मेन्यू नहीं होती। You are served what you deserve. Big F with Randeep Hooda.